give a big round of applause, Rohit Shetty and Little Singham. Whoa, what an entry. Hi Rohit sir, big fan. Thank you very much. And Little Singham. Bhai, jo aapne screen pe dekha, Little Singham aapke saamne aaye. Rohit Shetty, the man who's created Singham. Ek baar zordaar taaliyan. Come on everybody, let's make some noise. Fantastic. Well, Rohit sir, incredible. You've given India a superhero jiske hum sab fan hai. How did Singham happen? Singham was actually not planned. It's just that me and Reliance, we got together and Reliance had produced a film in Tamil. And I saw that film and I thought we should make this film in our way, keeping the same storyline. And wahan se Singham ki shuruaat hui. सिंगम जब बना रहे थे तब हमने ये नहीं सोचा था कि आगे चल के इसको एक कल्ट स्टेटस मिलेगा इस कैरेक्टर को और फिर लोगों ने पसंद किया बच्चों ने पसंद किया पुलिस ने पसंद किया इस फिल्म को और वहाँ से फिर एक नई जर्नी शुरू हुई इट वाज नॉट प्लान्ड और आज फिर सिंगम इतना बड़ा हो गया वेल आपने जो सिंगम क्रिएट किया और ये लिटिल सिंगम आप बड़े एक्साइटेड होंगे मतलब आपको लिटिल सिंगम से मिल के इनको बना के देख के क्या लग रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज सिंघम इज नॉट अ सुपर हीरो बट एक ग्रेजुअल एक ईमानदार एक ऑनेस्ट ब्रेव पुलिस ऑफिसर की कहानी से शुरुआत हुई और फिर आज भी वो एक मतलब उसके पास कोई गैजेट नहीं है वो उड़ नहीं सकता उसके पास कोई केप नहीं है बट उसे सुपर हीरो कहते हैं जो हमारे अजय देवगन का जो कैरेक्टर है तो हमने सोचा कि फिर क्यों ना हम बच्चों के लिए ऐसे सुपर हीरो बना दें तो इनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ये उड़ भी सकते हैं इनको गुस्सा भी ज्यादा आता है और इनके जो विलन्स आएंगे वो भी अलग अलग तरीके के आएंगे तो इन अ वे ही इज अ सुपर हीरो फॉर किड्स बच्चों के लिए वो अच्छा एक सवाल बिफोर आई एक्चुअली इंट्रोड्यूस यू टू द रियल सुपर हीरोज ये अत्ता माझी सटकली कहां से आया ये मतलब किसका ब्रेन चाइल्ड है ये भी एक एक्सीडेंट है ये जस्ट एक नॉर्मल सी लाइन लिखी थी और तब हमने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा मतलब आजकल हर कोई बोलता है अत्ता माझी सटकली एंड जो एक सिंघम का भी स्टेटस हो गया कि आज जब भी कोई एक ऑफिसर गुजरता है तो उसे भी सिंघम कहते हैं तो दिस वाज नॉट प्लान्ड ये एक्चुअली होता क्या ये सारी चीज़ें ऑडियंस बनाती हैं पब्लिक बनाती है तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली जो कल्ट स्टेटस दिया है वो पब्लिक ने दिया है वो हमने नहीं दिया है ऑडियंस ने दिया है बट एक्चुअली ये चीज हर एक के लिए दोस्तों एक गर्व का एक विषय है कि अगर पुलिस फोर्स को भी अगर सिंघम के नाम से रेफर किया जाए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड राइट नाउ रोहित वी गॉट सम किड्स टू किड्स एक्चुअली हु आर रियल लाइफ में डेयरडेविल उनको अवार्ड मिला है ICCW नेशनल ब्रेवरी अवार्ड एंड वो दो बच्चे जिन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई दोस्तों ये दो बच्चों के लिए मैं जब इनको स्टेज पे बुलाऊंगा मैं चाहूंगा कि हर एक जो कोई यहाँ पे बैठा हुआ है जोरदार तालियां बिकॉज दे डिजर्व इट पहले मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे बच्चे को जिसने क्लास में बैठे हुए क्लास में पढ़ाई चल रही थी राजस्थान से सिर्फ 9 साल के हैं और जब क्लास में पढ़ाई चल रही थी एक कोबरा आया था बच्चे बैठे हुए थे उस बच्चे को अपनी चिंता ना करते हुए उस बच्चे की जान बचाई उस कोबरा से दूर खींचकर उसकी जान बचाई लेडीज एंड जेंटलमैन सिर्फ 9 साल के जोरदार तालियों में स्वागत कीजिएगा सोनू माली का लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सोनू माली फ्रॉम राजस्थान क्या नाम है आपका सोनू सैनी हां सोनू सैनी जब कोबरा आया तो आपको डर नहीं लगा नहीं सर डर तो लगा था पर तो फिर उसको उसके साथ लड़ाई कैसे कर ली मैंने उसको बचा लिया था किसको बचा लिया था एक लड़के को कोबरा को नहीं मैंने लड़के को बचा लिया था सांप से अभी कैसा फील होता है अब अगली बार आएगा तो लड़ोगे यस ओए जोरदार तालियां कम ऑन सोनू यार आप तो बहुत बहादुर हो मतलब आपको कौन से जानवर से डर लगता है टाइगर अगर टाइगर आ गया और आपके साथ एक बच्चा है आप फिर भी उसको बचाओगे यस सर ये है मेरा हिंदुस्तान ये है ब्रेवरी के बच्चे एक बार जोरदार तालियां कम ऑन एवरीबॉडी लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज और इसी तरह हमारी एक और 8 साल की बच्ची है दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना से है उनका नाम है शिवमपेट रुचिता अब इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये इनकी स्कूल की बस में ये जा रही थी बस रेलवे ट्रैक पे किसी वजह से रुक गई और उस बस में बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे हैं और सामने से ट्रेन आ रही थी और वो बस मूव नहीं कर रही थी ड्राइवर ने ट्राई किया
और ये बच्ची ने अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए ड्राइवर को सूचित किया कि इसको हटाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेकिन उस बस में से इन्होंने बच्चों को खुद बखुद निकाला और उनकी जान बचाई। दोस्तों 8 साल की ये बच्ची, इन्होंने 2 से ज्यादा बच्चों की जान, खुद की जान को दांव पर लगाकर इन्होंने बचाई। जोरदार तालियां रुचि तक लिए, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हिंदी आती है? इंग्लिश? ओके, देन वी विल स्पीक इन इंग्लिश। ओके, आई सेव 4 children फ्रॉम द ट्रेन एक्सीडेंट। द बस वाज इन द ट्रैक, सो आई टोल्ड टू ड्राइवर अंकल दैट अंकल मूव फ्रंट, बट ही वाज नॉट लिसनिंग टू मी। So I told him that uncle move front, but he was not. So I got an idea that to save 4 children's life, not only 4, so many, but more time was not there. So I, if I save their life, at least their life will be safe. So I throw them from the window. So they got some hurts. And when I called my brother, he came, but he was not fitting in the window due to his fats. So I called my sister, she didn't come. So I called, beside of my sister, one more sister was there. I called her, she came near me. Amik was to stand beside of me. When I thought to jump, the train crashed the bus. So I rolled and came out of the bus. Then I got hurt over head and the backbone. You know, let's give a big round of applause. Zordar Talia. Yemi Ruchita, Bagunara. Bagunava. Okay. Bagunara. Telugu, she suddenly, yaar, ye Telugu maine suni hui hai. Okay, Ruchita, now that you know you become so strong and so many people's life you saved, what in the future? What do you want to become when you grow up? I want to become judge. You want to be, so you will say order. All right. This is the brave kid who saved so many lives. Ek bar zordar taaliyan for Ruchita. Come on, everybody. And inke liye bhi, we've got a token of appreciation. But then, humare saath sirf ye do bachche nahi, dosto. Humare saath bahut saare brave police afsar hai. Main chahunga ki wo daredevil police jo मुंबई की हैं, जो हमारी जान बचाती है, विच कीप्स आवर सिटी सेफ, कुछ अफसर यहाँ पे आए, अपना टाइम निकालकर मैं चाहूंगा कि आप सब मिलकर इनका तालियों से इस्तकबाल करें, बिकॉज दे आर बिजी गार्डिंग आवर लाइव्स एंड आवर सिटी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे कम हियर टू मेक देयर प्रेजेंट फेल्ट। एंड आज हम उनको जोरदार तालियों में उनका स्वागत करते हैं। आप में से कितने लोगों को पुलिस ऑफिसर बनना है? हाँ, आपको बनना है पुलिस, क्या बनना है? इंजीनियर बनना है? क्यों? पुलिस वाला क्यों नहीं बनना है? पुलिस वाला भी अच्छा है। तो डिसाइड करो क्या बनना है। पुलिस वाला ही। देखो मैंने एक को कन्विंस कर दिया। एक पुलिस वाला हमें फ्यूचर के लिए मिल गया। और आपको क्या बनना है? आपने सोचे क्यों इंजीनियर? क्योंकि इसने बोला यूनिफॉर्म में नहीं आप हैंडसम लगोगे, है ना? देखो मैं कन्विंस कर रहा हूँ, हमको मुंबई पुलिस के लिए आज मैं 6-7 ऑफिसर तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बंदा है जो मुझे कह रहा है, मुझे पूछो बेटा क्या बनना है, आपको क्या बनना है? लिटिल सिंघम। ऑलरेडी आपको क्या बनना है? पुलिस ऑफिसर बनना है। वेरी गुड। और किसको पुलिस वाला बनना है? अच्छा ये बताओ किसके डैडी हैं पुलिस में आप में से? 1, 2, 3, 4। तो डैडी यूनिफॉर्म में जाते हैं, सब देखते हैं कि पुलिस वाला है ना, सब डरते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं। घर में क्या होता है? घर में डैडी कैसे बिहेव करते हैं मम्मी के सामने? सर अच्छा ही करते। अच्छा ही करना पड़ेगा। घर में किसकी चलती है? कोई बात नहीं, मैं डैडी को पटा लूंगा, नहीं डांटेंगे। ये इसके पास जवाब है। हाँ, ये बच्चे के पास। बेटा पापा मम्मी से डरते हैं? नो। आपके? नो। क्या बात है। अच्छा किनकी मम्मी पुलिस इंस्पेक्टर है? हाँ, आप समझ आया?
मम्मी गुस्सा करेंगे नेचुरली, पापा तो साइलेंटली रहेंगे। हाँ बेटा, अच्छा सुनो, बड़ा सिंपल सा, आपने मैं आपको एक डायलॉग दूंगा सबको, ओके? आपने डायलॉग दिया, किसको याद है डायलॉग, लिटिल सिंघम का डायलॉग याद है, लिटिल सिंघम का? चलो मैं सुनाता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। पुलिस की वर्दी, शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम, ठीक है? कौन बोल सकता है जबरदस्त, मतलब जोश के साथ? रोहित सर यहाँ पे है, क्या पता, मतलब सोचो, ओके कौन? अच्छा डायलॉग एक और बार बता देता हूं, बड़ा सिंपल है। पुलिस की वर्दी, शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम, ओके? चलो आ जाओ बेटा, कम, ये देख के बताया चल रहा है, बस है, ठीक है? अग्रेशन से, वहां पे देखना, वहां पे विलेन है, ठीक है? क्या बोलोगे, डायलॉग क्या है, पहले नॉर्मल बोलना। शेर की वर्दी, नहीं शेर की पुलिस की वर्दी, शेर का दम, पुलिस की वर्दी, शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। क्या बात है, अभी पहले देखना, उधर देखना, ऐसे आग लगा के आंखों से ऐसा अग्रेशन, उसके बाद डायलॉग क्या बोलोगे, सेम डायलॉग रोहित सर ने जो बोला। चलो 1 2 3, पुलिस की वर्दी, शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। क्या बात है, तालियां, फैंटास्टिक। अच्छा आजा बेटा, कम। पुलिस की वर्दी, शेर का दम, नाम है मेरा लिटिल सिंघम। क्या बात है, तालियां। अच्छा देखो, एक और पुलिस वाला मिल गया मेरे को। क्या बात है, आपको क्या बनना है? पुलिस। डैड ऑफिसर है, मम्मी ऑफिसर, दोनों भी। क्या बात है, मतलब पूरी फैमिली। अच्छा बेटा, किसको शेर की दहाड़ आती है, पता है शेर कैसे ऐसे करता है? आप लोग आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। शेर की दहाड़ आती है ना, शेर की दहाड़। हाँ, कौन करके दिखा सकता है, जो करेगा उसके लिए एक प्राइज है, ओके? बेटा कैसे हो बेटा, क्या नाम? अच्छा, लिटिल सिंघम को देखा? वो बिग सिंघम को डेली देखता है घर पे। क्या नाम है आपका? चलो आप नर्वस मत हो। हाँ, यश। क्या नाम है? अच्छा मैं आपके बिहाफ में बात करूंगा, क्या नाम है? यश नाम है। अच्छा, लिटिल सिंघम देखा आपने अभी? अच्छा लगा? हाँ, घर पे भी एक सिंघम है ना, डैडी सिंघम है, मम्मी सिंघम है, डैड सिंघम है, और एक छोटा सिंघम है ना, अभी आपके लिए भी एक सिंघम बनाया मैंने, ये समझ लेना जब टीवी पे वो आएगा तो वो आप हो, है ना? घर पे डैड सिंघम है, टीवी में आप सिंघम हो, लिटिल सिंघम, ठीक है? हाँ, टीवी भी आएगा तो बोलना है, डैड को बोलना ये मैं हूँ, ठीक है? डरना नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को फोन करना, मैं उनको कन्विंस करूंगा। Alright, let's give a big round of applause. Come on, everybody. जोरदार तालियां। अब सारे बच्चे ना on the count of three ये करेंगे। क्या करेंगे? रोहित सर आप एक बार दिखा देना बच्चों को, ताकि पता चलेगा। यहाँ ओके, here we go. अच्छा रोहित सर को फॉलो करना, ये आपको बताएंगे करना क्या है, ओके? ऑन द काउंट, तीन काउंट करने पे करना। या सर ये देखो ना सर, ओके यस, क्या बात है, तालियां। अच्छा अब पता है क्या, एक बात बता रोहित सर, आई नो आप फिटनेस फ्रीक हैं, यू क्रिएटेड सिंघम, लेकिन ये बच्चे आपको टग ऑफ वॉर पे चैलेंज कर रहे हैं। मैं गिर जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं सर, देखो ना सर इनके ठीक है, करेंगे टग ऑफ वॉर, उनको समझा दो क्या करना है, बस आप इस साइड रहेंगे, सारे बच्चे इस साइड रहेंगे और देखते हैं किस में कितना है दम। ऑलराइट, रोप लाया जाए या फिर कैसे ऐसे, हाँ जी, अरे ये चलो सर, सारे बच्चे इस साइड, बेटा आप भी आ जाओ इधर इधर इधर। बेटा देखो रोहित सर कितने नर्वस हैं, देखो पसीना आ रहे हैं, ओ माय गॉड। यश बेटा इधर आओ, इधर आओ, रस्सी पकड़ो। हाँ जी, हाँ सर, यश कह रहे हैं अकेले हरा देंगे आपको, थोड़ा आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ, सारे इधर आ जाओ, आ जाओ। सर ये बच्चा आपके साइड आना चाहता है, हाँ ये बोल रहा है कि he is feeling for you, सबसे स्मार्ट है वो, बोल रहा है ये देखो लगा
एक काम करते हैं, पहले जोरदार तालियां, कम ऑन लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार, सारे जो ताली नहीं बजा रहे फिर सोच लो, वेरी गुड, ओके, कम ऑन सोहेल, ओके, वन टू थ्री गो। It is only because of him आप इतनी देर लास्ट कर पाए। Let's give a round of applause. Fantastic. बेटा thank you very much. रोहित सर को हाथ मिला लो। बेटा हाथ मिला लो। ये ले। All right. Okay. Very well done. And अब आप सब फोटो के लिए पोस्ट करने वाले, लेकिन ऐसे फोटो में पोस्ट नहीं करेंगे। आप आ जाओ। Everybody come. सारे खड़े हो जाओ। एंड आप सबको मिलेगा एक लिटिल सिंघम का कैप, राइट? एंड मैं चाहूंगा उत्तम सर प्लीज स्टेज पे आए, सर आप भी आ जाएं। ऑलराइट, जोरदार तालियां फॉर ऑल दीज किड्स, कम ऑन, जोरदार तालियां दोस्तों, फैंटास्टिक। आइए, थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। अच्छा यार, एक बात हम बताना भूल ही गए, यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे हैं। पहले तो मीडिया का बहुत बड़ा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन हियर। एंड सर, मीडिया वालों के बच्चे आए हुए हैं। अरे और तो फिर उनको भी बुलाना चाहिए। बिल्कुल, मीडिया वालों के सारे बच्चे कहाँ आए, प्लीज खड़े हो जाए सारे। उरी, क्या बात है, कहाँ से। एक्चुअली आ जाओ ऊपर। सर पीछे दो तीन मीडिया वाले कह रहे हैं हम भी बच्चे हैं, तो वो भी आना चाहते हैं, बोल रहे मैं भी बच्चा ही हूँ। या बिल्कुल, आप तो बेबी है। ओहो, ये देखो कितनी प्यारी सी बेबी है, वाओ। ये सबसे प्यारी बात है, मीडिया वाले सारे बच्चे आगे, मीडिया वाले खड़े हो गए। बेटा क्या नाम है? काव्या। हाय काव्या, कितनी प्यारी है आप। कम। कोई बचा है? अच्छा, ये कह रहे मम्मी के बगैर तो मैं जाऊंगा ही नहीं। मम्मी भी लिटिल सिंघम है। ओके, सारे बच्चे आ गए। अब आप में से दो लकी बच्चों को रोहित सर सवाल पूछेंगे। रोहित सर किसको जवाब देना पहले तो बताओ। मैं उसी को पूछता हूँ। सर ये बच्चे को पता ही नहीं शो इधर हो किधर रहा है। ये पीछे निकल लिया। अच्छा देखो, अभी जितने हमारे पुलिस वाले हैं हमने उनके बच्चों को तो पूछ लिया जी। आप में से किसी को पुलिस बनना है? वेरी गुड। देखो मैं मुंबई पुलिस के लिए 10-12-15 लोग तो तैयार कर दिए अभी तक मैंने। पुलिस वाला बनना है आपको? क्या बनना है आपको बड़े होके? पुलिस नहीं, मतलब सिंघम जैसा बनना है। यस। व्हाई पुलिस ऑफिसर? बिकॉज धक 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 धक। वेरी गुड, से दिस ऑन माइक। बिकॉज़ आई वांट टू हेल्प ऑल द मुंबई पुलिसेस। क्या बात है, आपको क्या बनना है? आपको पता है आप कहाँ आए हो? बे...
अच्छा, और किसी ने भी हाथ उठाया था ना, एक और कोई था जिसको पुलिस बनना था, किसको बनना था? पुलिस, आपको पुलिस वाला बनना है? काव्या, काव्या क्या नाम है आपका? काव्या, काव्या पुलिस वाला बनना है आपको? ओके, आपने बोला है अपने मम्मी डैडी को कि पुलिस वाला बनना है, अब तक नहीं बताया था। अच्छा भाई, टर्न हो जाओ। कौन है भाई, कौन आया है साथ में? एक मीडिया पर्सन नहीं है ये, पुलिस वाला है, पुलिस वाली है अभी, ठीक है? लेडी सिंघम, पुलिस वाली। बेटा सर, इनको बहुत जवाब देना बेटा, इधर। अच्छा हाँ, हाँ जी, देखो क्या बनना है? क्या बनना है? पुलिस। सडनली कैसे पुलिस? अभी तो आपने कुछ और बोला था। कहाँ बोला था? अच्छा, पुलिस बनना। ओके, सारे बच्चे इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ। सर ये बड़ा डरा हुआ है सर, बेटा इधर आ जाओ। बेटा बेटा हम ऐसे वैसे नहीं है, इधर आ जाओ, हम पुलिस के साथ हैं। रोहित सर इसको थोड़ा हाथ मिला लो, ये बड़ा परेशान सा है। बेटा बेटा क्या हुआ, कहाँ आए हो? बेटा नाम क्या है? बेटा मम्मी कहाँ है? बेटा पापा, बेटा लिटिल बुड़। अच्छा एक काम करते हैं, सारे मिलके, सारे बच्चे मिलके लिटिल सिंघम के वो गाने पे डांस करते हैं सर। ओके चलो, ओके सारे, और यहाँ पे बेटा आप यहाँ पे आ जाओ। विल प्ले द ट्रैक एंड ऑल द किड्स, जो सबसे अच्छा नाचेगा रोहित सर अपने अगली फिल्म की फ्री टिकट देंगे। वो तो वैसे ही दे दूंगा, मीडिया है। ओके लेट्स, चलो 1 2 3 लेट्स हिट इट। वो बेबी कहाँ गया? वो बेबी पीछे, देखो सर अभी भी सोच रहा है सर। बेटा सर मुझे लगता है कि ये साइंटिस्ट बनेगा सर, जब से आया कुछ तो सोच ही रहा है सर। हो सकता है आपकी अगली फिल्म के बारे में सोच रहा है। वो ये सोच रहा है मैं यहाँ क्यों। मुझे ये टीवी पे दिखा दो। और ये पीछे किसी को देख के कह रहा है कि बॉस किसने मुझे यहाँ पे लाया, वो भूल गया कि मम्मी लेके आई इसे। बेटा किसको ढूंढ रहे हो आप? कहाँ है भाई मम्मी, कहाँ है? इनकी मम्मी कहाँ है? उनके लिए इनाम। हाँ वो देखो मम्मी है, वो जस्ट वेव करो, है मम्मी। हाथ ऐसे सर, वो सोच रही कि कहाँ है। नहीं नहीं देखिए आपको, वो नहीं है, वो मम्मी नहीं है बेटा, वो है वो। बेटा मम्मी सिंघम को मिलना है। हाँ दैट बिग सिंघम यू वांट टू मीट, तो किससे मिलना है फिर? बेटा से यस, बेटा से नो, बेटा से मम्मा नो। चलो हम आपसे वादा करते हैं कि हम लिटिल सिंघम से मिलाएंगे, बट दैट्स यार इतना यहां पे स्टेज पे आया बच्चा, यहां पे आया है, एंड सारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये बच्चों को, सारे बच्चों को एक गुडी बैग है जो बाहर जब हम जाएंगे, व्हेन यू गाइस एग्जिट वी गॉट प्राइजेस फॉर देम। एंड रोहित सर अब आपको कटघरे में सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को हम यहीं पे रखेंगे। Okay, फिर बैठ जाते हैं सब। बिल्कुल सारे बैठ जाते हैं यहाँ पे। एंड मैं चाहूंगा आज, कि दो चीजें, हम सभी साथ में काम करते हैं, सब मीडिया के बच्चे आए हैं,
पुलिस के बच्चे हैं, मैंने सिंघम बनाई थी, ये हम सब जानते हैं। मैं नॉर्मल जो हमारे जर्नलिस्ट है या मुंबई के लोग हैं उनको मैं बता दूं, 2 करोड़ के ऊपर की आबादी हमारी, हमारी फोर्स करीबन 45,000 की है जो हम सब की रक्षा करती है। अराउंड 45,000 पुलिस ऑफिसर्स है हमारे पास मुंबई शहर में, जो कभी कभी 18 से 20 से 24 से 32 घंटे काम करती है हमारे लिए। जो बच्चे यहाँ हो सकता है कई बार ऐसा भी होगा कि 2-2, 3-3 दिन तक उन्होंने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी होगी हमारे लिए। तो इट्स अ बिग टाइम दैट वी गिवन देम अ रूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि हम तो फिल्में बनाते हैं, हम एनिमेशन बनाते हैं, बट रियल हीरोज आप लोग हैं सर, आप सब हैं। जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी फॉर मुंबई पुलिस एंड फॉर द पुलिस ऑफ द कंट्री, जोरदार तालियां, कम ऑन। एंड बिकॉज किड्स आए, आज परिवार वाला माहौल है, सेम गोज विद मीडिया ऑल्सो। एब्सोल्युटली, हम कई बार होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि मीडिया ये कर रही है, मीडिया वो कर रही है। कितनी सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो 24-24 घंटे 48-48 घंटे में देखता हूँ कि बाहर खड़ी हैं, एक कवरेज के लिए, एक न्यूज के लिए, इतना कॉम्पिटिशन है। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट, कभी हमारे झगड़े हो जाते हैं, कभी प्यार हो जाते हैं, बट आज फैमिली एटमोसफियर है। सो आई वॉन्ट टू से थैंक यू, एंड यू ऑल्सो आर ब्रेव, यू नो आप लोगों की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। एंड आई सी, मतलब खड़े रहते हैं बेचारे, मतलब धक्के खा रहे हैं, कॉम्पिटिशन है, कभी न्यूज़ मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, तो इट्स नॉट ईजी टू बी अ मीडिया पर्सन। थैंक यू मीडिया फॉर बींग सच अ स्पेशल set of people who actually make news go to the common man. Sir, मैं चाहूँगा कि आप दोनों भी आ जाएं, and अब वक्त है कि आप अपने सवाल पूछें, and yeah, हमारे अच्छा भाई कहाँ है वो? भाई सिंघम आ गया, little सिंघम आ गया, बेटा बेटा, yeah, come 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 come, everybody, सारे बच्चे एक बार photograph with the little सिंघम, आ जाओ, क्या बात? सिंघम का एक secret बता दूँ, उनको दिख नहीं रहा है। तो जब मैं भी आया तो बहुत डर डर के लेके आया था इनको, तो आपको लगा होगा कि मैं नर्वस क्यों, मैं नर्वस इसलिए था कि ये नहीं गिर जाए कहीं, अभी बता दूं। ठीक है भाई, चलो रेडी है सब लोग? Afternoon, this is like an epic afternoon, and we completely enjoyed. आप लोगों को मजा आया? Okay, अब सवाल है, तो हाथ ऊपर करें, we'll give you a chance, microphone आपके पास आएगा, and you can ask a question, all right? और ये सोच लेना, जवाब हो सकता है आपके बच्चों को देना पड़े, मैं इनको नहीं छोड़ रहा हूँ, सब यहीं रहेंगे साथ में, बैठ जाते हैं वरना थक जाओगे आप सब, आ जाओ यहाँ बैठ, ऐसे बैठ जाते, चलो आ जाओ, क्या बात, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ जी, सवाल किसको पूछना है? दिस इज द मोस्ट द कूलेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वी एवर सीन। हाँ जी, किसी को सवाल नहीं पूछना, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या रोहित, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं? हाँ जी, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। हाय रोहित, भावना दिस साइड फ्रॉम, यस भावना, हाउ आर यू? आई एम गुड, बहुत सारे बच्चे लेके आया हूँ मैं आज। बहुत प्यारे लग रहे हैं इन बच्चों के साथ आप भी। रोहित, आपने सिंघम का कैरेक्टर बनाया, अब लिटिल सिंघम आया, आपका कैरेक्टर इतना आइकॉनिक हो गया, और ये जो डायलॉग है अता माजी सटकली, आपको रियल लाइफ में कितनी बार ऐसी सिचुएशंस मिलती है जब आपको ये डायलॉग बोलना पड़ता है? मन में बोल लेता हूँ, ऐसे मैं कर नहीं सकता वरना लोग बोलेंगे क्या शो ऑफ कर रहा है, बट कई बार होता है क्योंकि काम करते हैं हम, यू नो हाउ आवर फील्ड इज, तो होता है, बाहर होता है, घर पे तो बीवी करती हैं। शूट के वक्त कभी कभार कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपका दिल करता है कि कहें कि आता माजी सटक ली, बट बोल नहीं सकते। देखा, मेरे पास हथियार है इसलिए आज कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, कवच है मेरे पास। हाँ भाई, कोई है सवाल? The credit goes to our team. Actually, this is their brainchild, Discovery took the initiative, Discovery Kids, because it's quite a huge, big project, and they had faith in us, in our team,
एंड इट्स जस्ट दैट यू नो शुरुआत हुई है एंड वील सी 21st April इज अ फर्स्ट एपिसोड और मे बी वील बी पुटिंग अप हाउ मेनी से अराउंड सो आई विल जस्ट ऐड ईच एंड एवरी पर्सन इन द मेकिंग ऑफ लिटिल सिंघम इज इंस्पायर्ड बाय द मेकिंग ऑफ मिस्टर रोहित शेट्टीज फिल्म क्वाइट फ्रेंकली राइटर्स से बात होती है तो उनसे कहते हैं यार यार ये एक्शन में मजा नहीं आ रहा है यू नो वी नीड टू हैव सम रोहित शेट्टी एक्शन इन दिस यू नो बात होती है एनिमेटर से यार ये कुछ सीक्वेंस कोरियोग्राफी जम नहीं रहा है वी नीड टू हैव अ रोहित शेट्टीज लाइक यू नो एक्शन सो फ्रेंकली लाइक यू नो आई थिंक द इंस्पिरेशन इज सो मच एंड वी आर इंस्पायर्ड बिकॉज रोहित शेट्टीज सर्स फिल्म हैज अपील्ड टू द मासेस ऑफ इंडिया एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू अचीव विद लिटिल सिंघम यू नो वी वॉन्ट टू गो टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया with this kind of filmmaking which appeals to the audiences so I guess like you know from I mean kya bolte hai essence of it is completely there from Rohit Shetty sir Rohit sir hello Rohit sir mera prashn yahan par Rohit ji ha ji you are known for the action movie jisme bahut stunts hote hai gaadiyan udai jati hai to about in jo ye chote little singham mein aap kya stunt karna bataoge isme nahi yahan pe to koi rok tok hi nahi hai na to aap dekho kya kya udega क्योंकि एनिमेशन है एंड यूनिक है अच्छा मैंने बोला मुझे मैंने कुछ गलत बोल दिया तो एनिमेशन है तो इसमें और यू नो होता क्या जब हम भी छोटे थे तो हम भी बाकी भी जो सीरीज देखते थे तो हमेशा एक ओवर द टॉप लार्जर देन लाइफ विजुअल्स होते थे जो हम अभी तो चलो सीजी आ गया है सुपर हीरो फिल्म्स आ गई हैं सो इसमें भी जो भी होगा वो लार्जर देन लाइफ होगा सिंघम एज इट इज लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है तो आप उसमें समझ लीजिए कि जो मैंने किया है एनिमेशन में उससे 100 times ज्यादा होगा बच्चों के लिए बच्चों के साथ हाँ मैं अगर कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों के साथ बाकी तो मेरी फिल्में देखो बच्चों जैसी होती हैं तो हाँ तो बच्चों के साथ जरूर एक कोई अच्छा सब्जेक्ट मिले तो आई विल डेफिनेटली आई वुड वांट टू इनफैक्ट वी वर प्लानिंग आल्सो वंस बट इट डिडंट टर्न आउट वेल बट आई विल डेफिनेटली मेक अ किड मूवी वन डे विद द किड्स मतलब हाय रोहित सना फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस हियर डिड अजय सी द विजुअल्स डिड यू टॉक टू हिम इज इन पेरिस ही जस्ट केम आई थिंक ही इज कमिंग बैक और ही मस्ट हैव जस्ट लैंडेड एंड वी स्पोक अबाउट इट And he's seen the photographs and everything, and I think he'll see it now. Maybe tomorrow or day after, he'll definitely see it. And a lot of films, I mean, such kids' films, especially have aspirational value. So, how much of action, drama, comedy, aspiration value will we get to see in Little Singham? There's a lot for kids, you know, especially, and because what happens in animation that you can just put everything, whatever thoughts you have. However wacko you want to go you can you know so this is for them and they will definitely enjoy and action also whatever I've seen what the team has created is on a different level altogether which the kids will enjoy you know so I'm I think I'm just waiting for them to see and react you know Rohit yeah here hi here acha main dekh liya ha acha During your childhood, what is the kind of animation and cartoon films which excited you and fascinated you? Since childhood, I'm thinking about Little Singham. Yeah, किसी और का promotion discovery के platform पे कैसे करें? They were, but I'll tell you later. Sometimes I do secretly, or when my son is watching, I do. अब तो देखना ही पड़ेगा from 21st April के how people are reacting and how the episodes are going and how the our short films are going. But I used to. अभी भी देखते हैं कभी-कभी यार. Hi Rohit, this is Prachi. Rohit, असल ज़िंदगी में आपका superhero कौन रहा है? जैसे आपने कहा वो other channel. असल ज़िंदगी में I think my mom was my superhero. Still she is. Thank you. Rohit. Hi, Nikita here from Zoom. A lot of cartoon characters which are heroes, most of them are male characters, but there are nothing for women or girls out there. So do you feel that there should also be a Little Singham which is probably a girl? In fact, we were planning and we are still in planning. We are still working on script for we made Singham, now we are making Simba for a lady Singham. Actually, it will take a lot of time. Just don't put it tomorrow that I'm making Lady Singham. Then who's the heroine? फिर वो 6 महीना वो सब. It will take time, but we are in planning to create this universe where we have a woman character also who's a cop. Okay.
In Simba, are you also planning, or it's another separate film altogether, like what you mentioned right now about Simba? Do you having a lady copy? We will plan, but that germ is there, that thought is there, that to create this whole cop universe, we will make a film which will have a lady cop. Oh, thank you. Hi, Rohit. Okay, and one more thing, that we are adding a lady cop in our little Singham also. Yeah. Kavya, yeah. Hi, Rohit. Ravi from ABP News. Rohit, Ajay Devgan ke saath aapka jo association hai kaafi successful raha hai. Aapne kai filmen banayi hai. Singham 1 aur 2 dono kaafi hit rahi hai. To Simba ke baad kya aap Ajay Devgan ke saath phir se shuru karenge franchise ko? Hum planning to kar rahe hain. Ab kaun si pehle banayenge? Itni franchises ban gayi hai na. Ke Golmaal kare ya Singham kare. We are still working on it aur planning chal rahi hai. Ek bar wo decide ho jayega, definitely. कोई एक फिल्म बनेगी, या तो सिंगम बनेगी या तो गोलमाल बनेगी, या हो सकता है कोई और अजय सर के साथ फिल्म बने. अभी हम वो डिस्कशन स्टेज पे, प्रोसेस में, क्योंकि अभी गोलमाल पिछले साल अक्टूबर में आई है, तो वी आर जस्ट स्टिल थिंकिंग कि अब हम जो साथ में आए तो क्या लेके आए. अच्छा रोहित, इस सबसे हटके एक सवाल कि आप टेलीविजन भी कर रहे हैं काफ़ी, अभी हाल ही में एक रियलिटी शो खत्म किया है आपने, अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं. आप तो ऐसा बिहेव करो, डेली साथ में तो रहते थे वहीं. जी बिल्कुल. रोहित, मैं जानना चाहता हूँ कि टेलीविजन में जब एक्टर्स काम करते हैं, तो आपने करीब से देखा होगा कितना स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि घंटों घंटों काम करना पड़ता है उन्हें. हाल ही में कपिल शर्मा का मामला है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और वापस दोबारा उन्होंने वापसी की है, तो कहा जा रहा है कि काफ़ी डिप्रेशन में है. वो एक अलग चीज़ है, उसको इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों के साथ क्या डिस्कस करें, डिप्रेशन को क्या डिस्कस करना है बच्चों के साथ, इट मेक्स नो सेंस इस प्लेटफॉर्म पर, मुझे ऐसा लगता है. ओके रोहित सर, हाय, विकास फ्रॉम न्यूज नेशन आपके सामने. या हाय विकास. या रोहित सर, अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत अलग अलग तरह के बच्चे हम लोगों ने देखे हैं, कोई शांत है, कोई मस्ती करने वाला है. आपका बचपना कैसा था, मतलब? मेरी जवानी नहीं देखी. कैसी थी बचपना? तो वैसे ही था, एक अलग एटमोसफियर था घर पे, क्योंकि डैड एक्शन डायरेक्टर थे एंड एक फिल्मी माहौल था, और बचपन से ये था कि फिल्म में ही आना है, एक्शन ही करना है. बट इट वॉज एन एडवेंचरस. आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं ज़्यादा शरारती नहीं था, बट जो लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हैं, जो काम सीखा है, सो व्हेन आई लुक बैक आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट टू बी इन दिस इंडस्ट्री सिंस आई वॉज बॉर्न. रोहित सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है सवाल, लेकिन ये डिप्रेशन को लेकर नहीं है, बस इतना मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हर शख्स की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं. किस तरीके से बुरे दिन में अपने आप को मेंटेन किया जाए, रोहित सर, अगर कुछ इस पर आप कमेंट कर पाएं तो. आई थिंक फेज है, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना चाहिए, दैट्स इट. थैंक यू सर. आप जस्ट एडिंग ऑन, रोहित सर एक सवाल, आपने गाड़ियां उड़ाई है अपनी लाइफ? बच्चों के सामने नहीं. ओके जस्ट. अरे मैं तो इतना बदनाम हो गया, मैंने अभी एक वीडियो देखा, कोई पाइप फटा और एक बोलेरो उड़ गई, तो नीचे लिखा है रोहित शेट्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर सिम्बा. मैं इतना बदनाम हो गया, मतलब स्कॉर्पियो देखते हैं तो मेरा नाम याद आता है. एयरपोर्ट पे उतरो, कोई स्कॉर्पियो देखेगा फॉरनर, तो उसको रोहित शेट्टी बोलेगा कि ये रोहित शेट्टी जा रहा है. ऐसा हो गया मेरी हालत, तो मैं क्या बोलूं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, रोहित सर, ये जो आपका एनिमेशन मूवी, व्हाट विल द स्टोरी बेस, क्या होगा इसका? ये एवरी एपिसोड लिटिल सिंघम जो है हमारा, एवरी एपिसोड ही इज डीलिंग विद अ न्यू प्रॉब्लम, with a new enemy, with a new evil force. So every episode it has और जो हमारा 11 minuter है, उसमें every episode में एक मिर्ची नगर है जहाँ का ये cop है, और जहाँ जहाँ जब जब उसमें हर बार कोई एक नई problem होती है और वो उससे deal करता है. So हर बार जब बच्चे देखेंगे तो हर बार कोई एक नई problem आई है बच्चों के level पर, जिसे वो solve करता है. But it won't be a connectivity. कनेक्टिविटी कैरेक्टर की है ना, कि ये कैरेक्टर की कहानी है. इट्स नॉट लाइक वन स्टोरी, इट्स अबाउट वन कैरेक्टर. जैसे हम बाकी भी जो सुपर हीरोज रहे हैं, अगर आप देखें तो उनका एनिमेशन की बात करता हूँ, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हर बार एक हर एपिसोड में एक नई चीज़ आती है, कीपिंग किड्स इन माइंड. सो एवरी एपिसोड देयर विल बी अ न्यू प्रॉब्लम, एवरी एपिसोड एक नया इविल फोर्स आएगा जिससे वो फाइट करेगा. थैंक यू सर. रोहित, क्या आप सिम्बा के बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ क्लीशे नहीं, बट क्या उसमें भी कुछ गाड़ियाँ उड़ेंगी या कुछ आपके ट्रेडमार्क स्टंट्स रहेंगे? स्टंट्स तो हैं, गाड़ियाँ उड़ेंगी नहीं उड़ेंगी, मैं डरता हूँ अभी यार, ओ क्योंकि एक भी उड़ा दो ना तो फिर खाली वही लिख के आता है कि ऐसा लगता है ढाई घंटा गाड़ी उड़ाई है, इसलिए मैंने गोलमाल भी नहीं उड़ाई, तो अब थोड़ा डर लगता है.
अब पता नहीं, अब देखते हैं जी। हाँ जी, हो गया, बच्चों को भी भूख लग रही होगी, मेरे को भी लगी। ओके, फाइनल 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 टू क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन और फाइनल टू क्वेश्चंस। नहीं, हो गया एक्चुअली, हो गया। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन ब्रिलियंट। 21 तारीख से देखिएगा लिटिल सिंघम, एंड प्लीज जॉइन अस फॉर। कहाँ है सर, क्या अच्छा, हमारे भाई सर, आप कुछ इशारा करो सर। हाँ, हाइटी है सर। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाइटी के लिए ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सब आए हैं, प्लीज एंजॉय दिस। 21 तारीख से लिटिल सिंघम को देखिएगा और इसे बहुत बड़ा हिट बनाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, स्पेशली मुंबई पुलिस, यू हैव कम हियर, थैंक यू सो मच, जो आप टाइम निकाल के, थैंक यू सो मच, थैंक यू।